नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश का भयावह सीधी सड़क हादसा किसी से भुलाए से भी नहीं भूला जा रहा। अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में एक पति पत्नी की मौत की खबर सामने आई, जिनका विवाह 8 जून 2020 को हुआ था और दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए थे। अंततः उनके वादे सबकी आंखों को नम करते हुए, सबको रुलाते हुए पूरे हुए। दोनों साथ में इस अनहोनी में काल का ग्रास बन गए। सीधी जिले के समी तहसील के गैवटा पंचायत में देवरी निवासी 25 वर्षीय अजय पनिका सीधी में रूम लेकर रहा करते थे और अपनी 23 वर्षीय पत्नी तपस्या को एएनएम का पेपर दिलाने सीधी से सतना जा रहे थे। इस दौरान हुए सड़क हादसे में दोनों पति पत्नी की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन रोते बिलखते हुए घटना स्थल पर पहुंचे और शव की तलाश करने लग गए। तपस्या का शव मंगलवार 3 बजे मिला और अजय का शव 5 बजे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को एम्बुलेंस से रात 10 बजे देवरी पहुंचाया गया। पूरा गांव इस अनहोनी से गमगीन था, लेकिन मजबूरी देखिए कि अजय के पिता अपने पुत्र पुत्रवधु के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। जिस वक्त यह हादसा हुआ, अजय के पिता गुजरात में थे। अगर वो वहां से आते भी तो उन्हें आने में 3 दिन लगते और पोस्टमार्टम किए शव को इतने लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता था। दोनों की शादी 8 महीने पहले ही हुई थी। अजय पत्नी तपस्या को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहता था और उसे एग्जाम दिलाने सतना लेकर जा रहा था। इसके बाद अजय और तपस्या दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ बुधवार को किया गया और प्रथा के अनुसार मुखाग्नि दी गई। दोनों को एक ही चिता से दुनिया से अलविदा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।